दोस्तों स्वागत है आप सभी का फिर से एक और नई वीडियो में। और आज का ये वीडियो दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं HDFC स्कॉलरशिप के बारे में, जिसमें दोस्तों अगर आप लोग क्लास 9 से लेकर के 12th तक में स्टडी कर रहे हैं, या फिर दोस्तों 12th के बाद कोई जनरल डिग्री कोर्स कर रहे हैं, या फिर प्रोफेशनल डिग्री कोर्सेज में इनरोल्ड हैं किसी भी कॉलेजेस या फिर यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, तो आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। और इसके थ्रू दोस्तों 20,000 से लेकर के अप टू 1 लाख रुपीज़ तक इसके थ्रू मिल सकते हैं। तो सारे डिटेल्स और टर्म्स एंड कंडीशन को डिस्कस करेंगे, कैसे आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं इसको भी डिस्कस करेंगे। तो आगे बढ़ने के पहले दोस्तों आप सभी लोगों से हमेशा एक ही रिक्वेस्ट रहता है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों इस तरह के स्कॉलरशिप्स, इंटर्नशिप्स और वर्क फ्रॉम होम रिलेटेड वीडियोस आगे भी इस चैनल पे आपको देखने को मिलती रहेगी। तो यहां पे दोस्तों आप लोग देख सकते हैं HDFC बढ़ते कदम स्कॉलरशिप, और यह है दोस्तों फॉर स्टूडेंट्स फ्रॉम क्लास 9 टू अंडर ग्रेजुएट जनरल और प्रोफेशनल डिग्री कोर्सेज कर रहे हैं, तो आप लोग यहां पे अप्लाई कर पाएंगे। डिटेल्स की दोस्तों बात करें तो सबसे पहले बेनिफिट्स को देख लेते हैं। तो इसके थ्रू दोस्तों सबसे पहला हेल्थ रिलेटेड काउंसलिंग प्रोवाइड की जाती है स्टूडेंट्स को, करियर रिलेटेड काउंसलिंग और मेंटोरशिप भी दिए जाते हैं, और जो आपका स्कॉलरशिप फंड मिलता है जिसको आप अपने आगे की पढ़ाई में यूज़ कर सकते हैं। नीचे दोस्तों आप लोगों को टोटल 3 कॉलम्स देखने को मिल जाता है। एक है क्लास 9 से लेकर के 12th तक के स्टूडेंट्स के लिए, एक है दोस्तों प्रोफेशनल अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए, लाइक अगर आप लोग बीटेक कर रहे हैं, MBBS वगैरह कर रहे हैं तो ये आप लोग के लिए है। एक है दोस्तों जनरल अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज, लाइक अगर आप लोग BSc BCom वगैरह कर रहे हैं तो ये आपके लिए है। स्कॉलरशिप अमाउंट की दोस्तों बात कर ले तो जो भी स्टूडेंट्स क्लास 9 से लेकर के 12th तक में स्टडी कर रहे हैं उनको यहाँ पे अगर आप लोग रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं तो 15,000 रुपीज़ अवार्ड किए जाएंगे, और अर्बन एरिया के स्टूडेंट्स को यहाँ पे 20,000 रुपीज़ अवार्ड किए जाएंगे। प्रोफेशनल डिग्री कोर्सेज की दोस्तों बात करें तो 1 लाख रुपीज़ तक इसके थ्रू मिल सकते हैं, और अगर हम लोग बात करें जनरल अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए तो यहाँ पे 40,000 रुपीज़ मिल जाते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों एलिजिबिलिटी जो है ऑलमोस्ट यहाँ पे सेम हो जाता है, डॉक्यूमेंट्स ऑलमोस्ट सेम हो जाता है, बस जो डिफर करता है वो यहाँ पे स्कॉलरशिप अमाउंट, जिसको हम लोगों ने अभी डिस्कस कर लिया। डिटेल्स की दोस्तों हम लोग यहाँ पे बात कर ले तो आपकी फैमिली की एनुअल इनकम जो है दोस्तों 6 लाख रुपीज़ से एक्सीड नहीं होनी चाहिए। नीचे दोस्तों कुछ स्पेशल कंसिडरेशन फॉर स्टूडेंट्स, कुछ यहाँ पे क्राइटेरिया मेंशन किए गए हैं, तो अगर आप लोग इनमें से किसी एक क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं तो यहाँ पे स्पेशल कंसिडरेशन प्रोवाइड किए जाएंगे। और ऐसा यहाँ पे बिल्कुल मेंशन नहीं किया गया है कि अगर आप लोग इनमें से किसी एक क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं तो ही आप लोग एलिजिबल होते हैं, ऐसा यहाँ पे बिल्कुल नहीं है। सभी लोग जो भी क्लास 9 से 12th या फिर 12th पास आउट हैं वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो बात करते हैं क्या वो कंडीशन है जिसमें स्पेशल कंसिडरेशन प्रोवाइड किए जाएंगे। तो हु हैव लॉस्ट देयर पेरेंट्स अर्निंग फैमिली मेंबर इन द पेंडेमिक और बिफोर द पेंडेमिक, तो पेंडेमिक के पहले या फिर बाद अगर किसी ने अपने फैमिली मेंबर की डेथ हुई है तो उनको कंसिडरेशन दिए जाएंगे। हुज फैमिलीज हैव लॉस्ट देयर लाइवलीहुड ड्यू टू पेंडेमिक, हु आर अफेक्टेड बाई एनी नेचुरल डिजास्टर, कोई अदर नेचुरल डिजास्टर से अफेक्ट हुए हैं, या फिर कोई फैमिली में क्रिटिकल इलनेस वगैरह है, या फिर हु आर फिजिकली डिसेबल्ड। तो यहाँ पे कुछ कंडीशंस मेंशन किए गए जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो, तो इनमें से किसी एक को फुलफिल करने वाले स्टूडेंट्स को स्पेशल कंसिडरेशन दिए जाएंगे। ओपन फॉर इंडियन नेशनल्स, सभी इंडियन स्टूडेंट्स यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं जो भी 9th से 12th में है। बेनिफिट्स हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लिए। डॉक्यूमेंट्स की दोस्तों बात कर ले क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने होते हैं रजिस्ट्रेशन करते टाइम, तो सबसे पहले दोस्तों अभी आप जिस भी क्लासेस में स्टडी करो उसका 1 साल प्रीवियस का आपको यहाँ पे मार्कशीट अपलोड करना होता है। गवर्नमेंट इशूड आइडेंटिटी प्रूफ लाइक आधार कार्ड, पैन कार्ड वगैरह अपलोड करना होता है। करंट ईयर एडमिशन प्रूफ, आपने जहां एडमिशन लिया है उसका आपको प्रूफ अपलोड करना होता है। जो भी क्राइसिस है जिसको हम लोगों ने ऊपर डिस्कस किया अगर वो है तो आप लोग यहां पे उसका प्रूफ अपलोड कर सकते हैं। रेफरेंस अपलोड करना होता है, बैंक अकाउंट डिटेल्स अपलोड करना होता है, इसके साथ ही एक फोटोग्राफ भी आप लोग को अपना सबमिट करना होता है। तो ये कुछ यहां पे डॉक्यूमेंट्स हो जाते हैं जिसको आप लोग को अपलोड करना होता है रजिस्ट्रेशन करते टाइम। ऐसे में दोस्तों सारे डिटेल्स यहां पे सेम हो जाते हैं, डॉक्यूमेंट्स हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। बेनिफिट्स बस यहां पे डिफर करता है, बाकी सारे डिटेल्स यहां पे सेम हो जाते हैं। बात करें दोस्तों इसके लिए आप लोग कैसे अप्लाई कर सकते हैं, तो जो भी दोस्तों आप लोगों का क्लास हो जाता है उसके सामने एक अप्लाई का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर टैप करेंगे। उसके बाद दोस्तों इस प्लेटफॉर्म पे आपको एक अकाउंट क्रिएट करना होता है। अगर पहले से अकाउंट है गूगल से भी आप लोग यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं। अगर अकाउंट नहीं है दोस्तों तो यहाँ पे रजिस्टर पे क्लिक करेंगे, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और पासवर्ड वगैरह क्रिएट करना होता है। रजिस्टर करने के बाद दोस्तों आप लोग के सामने जो है एक एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाता है जिसमें पर्सनल डिटेल्स और जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह है उसको अपलोड करके आप अपना रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कंप्लीट कर पाएंगे। काफ़ी आसान है दोस्तों, इस आपको एक वीडियो भी मिल जाएगा हमारे चैनल पे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मैं दे दूंगा। तो वहाँ पे जो है मैंने इस स्कॉलरशिप को नहीं बट दूसरे स्कॉलरशिप को यहाँ पे अप्लाई करके पूरा स्टेप बाय स्टेप वहाँ पे डिस्कस किए हैं, तो आप चाहे तो उस वीडियो को फॉलो कर सकते हैं। बाकी बहुत ही आसान है, आप लोग आसानी से यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। यहाँ पे दोस्तों हम लोग बात करें सिलेक्शन क्राइटेरिया की, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ स्टूडेंट्स बेस्ड ऑन द प्रूफ, जो भी आपके क्राइसिस हो गए, नीड्स हो गए, नीड्स को देखते हुए, एलिजिबिलिटी को देखते हुए सबसे पहले स्टूडेंट को शॉर्ट लिस्ट किए जाते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे सेकेंड रोल होता है टेलीफोनिक इंटरेक्शन का, एंड देन यहाँ पे फाइनल सिलेक्शन होता है।
बात करें दोस्तों लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन की, तो इसके लिए आप लोग 15 फरवरी 2022 तक लास्ट डेट है यहाँ पे अप्लाई करने का। तो अगर आप लोग एलिजिबल होते हैं, इंटरेस्टेड हैं, तो आप लोग यहाँ पे 15 फरवरी के पहले अपना रजिस्ट्रेशन जो सक्सेसफुली कंप्लीट कर पाएंगे। बाकी दोस्तों आपको कोई भी डिटेल्स होता है इस स्कॉलरशिप से रिलेटेड तो आप नीचे कॉमेंट कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे इंस्टाग्राम हैंडल का भी लिंक मिल जाएगा, वहाँ भी आप हमें कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो आज की इस वीडियो को दोस्तों हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।